के देशों से एक के बाद एक खालिस्तानी आक्रांताओं को उड़ाए जाने की खबरें आ रही हैं। Take a look at how many K-Force members have either been killed or have been jailed in different actions. क्या भारत ने इजराइल का रास्ता पकड़ लिया है? This is not an India which will accept its national flag pulled down by somebody in the country. कौन मार रहा है भारत के शत्रुओं को? उन्हीं के घरों में। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। क्या ये ऑपरेशंस भारत के ही हैं? यदि हाँ तो कैसे भारत के ये ऑपरेशंस इजराइल से मेल खाते हैं? क्यों बंद किया था भारत ने शत्रु को उसी के देश में घुसकर मारना, और अब कैसे सारी सीमाएं लांघ रहा है भारत? आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के सरे शहर में, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया का हिस्सा है, उसको गोली मार दी किसी ने। किसने मारी किसी को कुछ नहीं पता। लोग आए, उसको ठोक दिया, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये कौन है जिसने निज्जर को गोली मारी? एक भारतीय उच्चायोग के बाहर जिसने तिरंगा अपमानित किया था, जिसने तिरंगा उतारा था, वो अब नहीं रहा। अब ये किसने किया, कैसे किया, कहा ना, ये फिल्म से कम नहीं है। चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पाकिस्तानी आतंकवादी का गला समझकर दबा दें। दोस्तों हमारे भारत देश के कई शत्रु हैं, फिर चाहे वो अंदर हो या बाहर। हमारे देश के योद्धा अक्सर पंजाब से आते हैं, उनका योगदान और बलिदान अतुल्य है। पंजाब के 100% सिखों में से कुछ परसेंट ऐसे हैं जो वर्षों पहले पाकिस्तान के बहकावे में आकर सट्टे और पैसे की लालच में अपने ही देश से अलग होना चाहते हैं। ये कुछ गिने चुने लोग हैं जो ज्यादातर इंडिया के बाहर रहते हैं। इन्हें अंग्रेजों की औलाद मक्सिकी कहा जाता है। कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी इनका मुख्य केंद्र है। पाकिस्तान की मदद से ये खालिस्तान मांग करने वाले लोग अक्सर तुच्छी हरकत करके देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब नहीं, भारत की मोदी सरकार ने इनको सबक सिखाना शुरू कर दिया है। आइए इस वीडियो में देखते हैं खालिस्तानियों की सफाई की कहानी, सच्चे भारतीयों की जुबानी। पिछले कुछ समय में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कभी इजराइल के नाम पर सुनने को मिलती थी। एक एक करके उन घटनाओं को देखते हैं। 19 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के गुरुद्वारे के पार्किंग में कुछ अज्ञात हमलावर ठोक कर चले गए। ये बंदा खालिस्तान कमांडो फोर्स का हेड था और सिख फॉर जस्टिस में भी इसका रोल था। निज्जर एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था भारत की लिस्ट में, और इसका नाम भारत ने कनाडा को दिया था 2018 में मोस्ट वांटेड लिस्ट के रूप में। ये बंदा बेसिकली खालिस्तान टाइगर फोर्स के रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और फाइनेंसेस देखता था। इस घटना से 4 दिन पहले यानी कि 15 जून को अवतार सिंह खंडा ब्रिटेन के एक हॉस्पिटल में मारा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इसे ब्लड कैंसर था, पर एक दूसरा एंगल भी आ रहा है कि खंडा को जहर दे दिया गया। ये बंदा खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ था और भारत की लिस्ट में एक डेजिग्नेटेड था। अमृतपाल सिंह को इसी का सपोर्ट था और 19 मार्च को लंदन में भारतीय दूतावास में इसी ने अटैक करवाया था जब भारतीय ध्वज का अपमान हुआ था। इससे पहले 6 मई को परमजीत सिंह पंजवार, खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ, पाकिस्तान लाहौर में मॉर्निंग वॉक कर रहा था। दो लोग आकर उसे ठोककर चले जाते हैं। ये भी डेजिग्नेटेड लिस्ट में था भारत की, और भारत में फेक करेंसी और ड्रग्स के धंधे के जरिए अपनी खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड जोड़ता था। मार्च 2023 के आरंभ में सईद नूर शलोबर, खालिद राजा, एजाज अहमद और बशीर अहमद पीर को अज्ञात लोग ठोककर चले जाते हैं। ये लोग सभी कश्मीर में आतंक से रिलेटेड किसी न किसी ग्रुप से जुड़े हुए थे, ISI से भी जुड़े हुए थे और कश्मीर में रिक्रूटमेंट का काम देखते थे। फरवरी एंड में खालिद रजा को ठोक दिया जाता है जो अल बद्र का चीफ था और भारत में जिहाद का प्रमुख था। इसके पहले 20 नवंबर 2022 को हैप्पी संघेड़ा इटली में मार दिया जाता है। उसके क्लोज एसोसिएट्स ने इसे हत्या बताया। कौन है ये संघेड़ा? एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो ISI के लिए काम करता था। इससे पिछले ही दिन यानी 19 नवंबर 2022 को हरविंदर सिंह रिंधा, भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो ISI के लिए काम करता था, NIA ने जिस पर 10 लाख का प्राइस रखा हुआ था, ड्रग ओवरडोज से मारा बताया जाता है। इससे पहले जनवरी 2020 में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के हरमीत सिंह को पाकिस्तान में गोली मार दी गई थी। भारत के एक टॉप ऑफिशियल के अनुसार अब लिस्ट में गुरपतवंत सिंह पन्नू सबसे ऊपर हैं, और अभी नई सूचना के अनुसार गुरपतवंत सिंह पन्नू अनट्रेसेबल है, गायब है। पिछले लगभग 6 महीनों में एक दर्जन के लगभग भारत के शत्रु संदेहास्पद अवस्था में मारे गए हैं। किसी को अज्ञात लोग मार गए हैं, कहीं से जहर की शिकायत आ रही है, कहीं से ड्रग ओवरडोज की। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन इन कनाडा निज्जर के ठोके जाने को भारतीय इंटेलिजेंस का काम बता रही है। हरदीप सिंह निज्जर अपनी मृत्यु से पहले खुद बोल रहा था कि पंजवार को भारत की इंटेलिजेंस ने मरवाया है और अब उसका नंबर है। भारत के एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के अनुसार इस समय रॉ का हाथ नहीं कहना चाहिए, पर कौन सी एजेंसी यह सब करके क्लेम करेगी उन्होंने ये सब किया है? वहीं पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कुछ घटनाओं में भारत का हाथ बता रहा है। इतने खालिस्तानी ठोके जाने के बाद भी पंजाब में कोई अप्रूव नहीं है, क्यों? क्योंकि प्यू की रिसर्च के अनुसार
95% भारतीय सिख स्वयं को प्राउड भारतीय समझते हैं। क्या इसमें भारत का हाथ हो सकता है? प्रमाण किसी के पास नहीं है, परंतु नरेंद्र मोदी, अजीत डोवाल और एस जयशंकर, भारत के तीन सबसे शक्तिशाली लोगों ने वीडियोस निकालकर इस पर बहुत बड़ा संकेत दिया था। हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के सरे शहर में, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया का हिस्सा है, उसको गोली मार दी किसी ने। किसने मारी किसी को कुछ नहीं पता। लोग आए, उसको ठोक दिया, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ये कौन है जिसने निज्जर को गोली मारी। निज्जर हिस्सा था सिक्स फॉर जस्टिस का, और जो भी ये कनाडा में भारतीय हाई कमीशन या कॉन्सुलेट्स पे हमला हुआ, अटैक हुआ, इसका हाथ वहां से जुड़ा हुआ था। सिक्स फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इस तरीके की बॉडी है जो कि टोटली फ्रॉड है। उसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस, लेकिन इसका जस्टिस से, इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। ये टेरर एक्टिविटीज प्रमोट करते हैं, ये टेररिज्म को फंड करते हैं, और निज्जर को किसी ने ठोक दिया। इसके पहले परमजीत सिंह पंजवाड़, ये भी एक बहुत बड़ा खालिस्तानी लीडर था, कमांडो फोर्स, ढमांडो फोर्स, पता नहीं किस, इसको लाहौर में किसी ने मार दिया। अभी तक ये पता नहीं लगा कि इसको लाहौर में कैसे मार दिया। भाई ये तो पाकिस्तानी ISI का लाडला था, उनका गोद लिया बच्चा था, उसको लाहौर में किसी ने गोली मार दिया। ठीक है, अवतार सिंह खांडा वो बंदा था जिसको कुछ दिन पहले अचानक पता नहीं कैसे उसको अचानक से हार्ट अटैक हुआ और वो खत्म हो गया। ठीक है, अवतार सिंह वो था बंदा जिसने यूके में, इंग्लैंड में जो भारत का हाई कमीशन था उसका झंडा नीचे उतरवाया था, उसने वो लीड कर रहा था, उसने भीड़ इकट्ठा करी थी और भारत के खिलाफ गंदे गंदे नारे, और फिर हाई कमीशन के उधर ऊपर चढ़ के एक बंदे ने जो तिरंगा उतारा था ना, वो ही वॉज दैट गाय, इसने करवाया था ये सब। अब पहुंच करके खालिस्तान पंजाब को एक नया स्थान जिसका नाम खालिस्तान, उसकी मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। भारत भी बहुत ही अच्छे से, तसल्ली से इन सब चीज़ों को देख रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही, मतलब मैं जब इस न्यूज़ को तैयार कर रहा था तो मुझे फीलिंग ऐसी आ रही थी जैसे इसराइल की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, और लोग उसके किस्से बड़े गर्व से और फक्र से सुनाते हैं। क्यों? तो कहते हैं कि इसराइल का जो दुश्मन है, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, मुट्ठी भर लोगों का देश, मात्र 98 लाख के अराउंड कहते हैं जिसकी ऑफिशियल पॉपुलेशन है, 1 crore के अराउंड जिस देश की जनसंख्या है, वो अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी देश में बैठे हो छोड़ती नहीं है। फिर चाहे ईरान में बैठा हो, चाहे अफ्रीका में बैठा हो, कहीं बैठा हो, वो जाकर उसे मार के आते हैं। भाई साहब, 140 करोड़ का देश, यानी कि 140 इसराइल बन जाए, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, और उस देश को मुट्ठी भर लोग दुनिया जहान में जहां देखे परेशान करने लग रहे थे। जबकि भारत के पंजाब में बहुत खूबसूरती से, बहुत ही जबरदस्त, मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ पंजाब के हमारे पंजाबी भाई बहन, सिख भाई बहन रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का प्रायोजित एजेंडा होता है, कुछ देशों का, जैसे भाई हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, भविष्य में संभव है बलूचिस्तान भी टूट जाएगा, ऐसी स्थिति में पाकिस्तानियों को ये कहाँ बर्दाश्त था। तो पाकिस्तानियों ने इंडिया को टिट फॉर टैट दिलाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत को सेम वैसा ही फील कराने के लिए पहले तो जम्मू कश्मीर में खूब सारा आतंकवाद प्रसारित किया, वहाँ जब कुछ ना हो पाया तो फिर पंजाब को टारगेट किया। पंजाब में बॉर्डर के पार से आज भी आप खबर पढ़ते होंगे तो ड्रोन के हवाले से, ड्रोन में ड्रग्स भर भर के पंजाब में डाला जाता है। तो पहले तो पंजाब की नस्लों को जहर दे दे के खराब किया जा रहा है, फिर उसके बाद पंजाब के माध्यम से जो पंजाबी इधर उधर दुनिया में गए हुए हैं उनके मन में ये लालसा पैदा कर दी जा रही है कि जब मुसलमानों के लिए अलग देश हम लोगों ने बनवा लिया तो सिख अपने लिए अलग देश क्यों ना बनवा लें। जबकि सिख असल मायने में जो गुरु नानक देव के नेतृत्व में बनी हुई कम्युनिटी है, वो बहुत हद तक, मतलब एक प्रकार से समझिए कि औरंगजेब के आतंक से प्रभावित होकर हिंदुओं की रक्षा के लिए गुरु नानक देव ने, मतलब सिख संगठन जो है ना, वो सुरक्षार्थ भारत के लिए बना था। लेकिन 2023 की US इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत के द्वारा मिलिट्री पावर को यूज करने के सबसे अधिक चांसेस करंट गवर्नमेंट के अंडर हैं व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट। पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? अरे बातें सत्य भी दिखती हैं। सरकार बदलने के बाद 2 बड़े ऑपरेशन, 2016 में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स और 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक्स दिखाती हैं कि भारत में बदलाव है। और अब लगातार भारत के शत्रुओं का बाहर के देशों में मारा जाना यही संकेत करता है कि भारत अपनी संप्रभुता को अब हल्के में नहीं ले रहा है।
परंतु अपने पास अवेलेबल इंटेलिजेंस रिसोर्सेज का प्रयोग करके कुछ रिजल्ट निकालना और इंटेलिजेंस सर्विसेज में रिफॉर्म करके विश्व में सर्वश्रेष्ठ बना देना, ये दोनों बातें अलग होती हैं। क्या भारत ने ये रिफॉर्म किए हैं और क्या ये सभी बातें भारत को रक्षा क्षेत्र में इसराइल के समकक्ष लाकर खड़ा कर देती हैं? वो आगे देखते हैं।